जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो। जो पेट्रोल है वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पे। एक वक्त था पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की कीमतें हैं 1 2 3 रुपए बढ़ती थी और कहते थे यार कितनी कीमत बढ़ गई। एंड नाउ 26 रुपीज़ पर लीटर, जिस कल रात को इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत जो है वो 332 रुपीज़ ऑलमोस्ट है, 332 रुपीज़। और पाकिस्तान की आवाम घरों में बैठ के खामोशी से ये सारी जो हुकूमत की जो सर जो 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 इसको क्या लफ्ज़ मुझे बोलना चाहिए, देख रही है कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। एंड द गवर्नमेंट सेज वी हैव नो चॉइस, IMF कह रहा है और हमें करना पड़ रहा है। और साथ भारत है, उसका जो लीडर है नरेंद्र मोदी, उनकी आप अप्रूवल रेटिंग्स चेक करें, दैट इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। एक बेसिकली मॉर्निंग कंसल्ट प्रो के नाम से एक अदारा है, वो ये बेसिकली ये इंटेलिजेंस कंपनी है। ये जितने भी मॉडर्न लीडर्स हैं आज के दौर के जो जो हैं लीडर्स हैं, उनकी अक्सर ये रेटिंग्स निकालते रहते हैं। ठीक है, मैं इनकी मेथोडोलॉजी देख रहा था कि जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है ये चीज़ चेक करते रहते हैं। और डाटा जारी बात है, जो पॉलिटिकल लीडर्स का, इलेक्शंस का, इनके जो जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, वोटिंग इश्यूज, वो सारी देखते हैं। और ये जो कहा, ये कहते हैं कि इन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये 7 दिन का डाटा होता है, 7 दिन का मूविंग एवरेज, एक मतलब 7 दिन एक ये ऑलमोस्ट ऑब्जर्व करते हैं एडल्ट्स को किसी भी मुल्क में। अमेरिका में वो कहते हैं हमारा सैंपल साइज 45,000 बंदों को होता है, जबकि दूसरे मुल्कों में जो सैंपल साइज़ है वो 500 से लेके 5,000 के करीब है, दैट इज़ व्हाट दे बिलीव। और वो कहते हैं तमाम हम इंटरव्यूज़ ऑनलाइन करते हैं और नेशनली लोग भी वहाँ पे बैठे होते हैं हमारे कुछ, और हर मुल्क में एज, जेंडर, रीजन के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो लिटरेट ही होते हैं जो इन अमूमन इन सर्वेज में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब देखें कि ये जो सर्वे है इसमें आप देखें कि मोदी साहब की जो अप्रूवल रेटिंग है दैट इज़ 76%। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड के आई थिंक प्रेजिडेंट हैं अलाइन बर्सेट, उनकी कुछ 64 है। फिर मैक्सिको के आ जाते हैं, फिर ब्राज़ील के जो सिल्वा साहब हैं 49%। इस तरह प्रेजिडेंट एंथनी एल्बनीज जो है ऑस्ट्रेलिया की, उनकी 48%। और उसके बाद फिर जॉर्जिया मेलोनी इटली की जो है, जो बाइडन की 40%, नरेंद्र मोदी की 76% है, जो बाइडन की 40% है। इस तरह जस्टिन ट्रूडो की 37%, एंड देन बेल्जियम एंड सार है। अच्छा, किसी भी, क्योंकि ये डेमोक्रेट्स की होती हैं, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की अप्रूवल रेटिंग्स हैं। ठीक है, एमैनुअल मैक्रोन जो मोदी के बड़े यार हैं, जो मोदी साहब को राफेल दे रहे हैं, 24% अप्रूवल रेटिंग है। साउथ कोरिया के लीडर की 21%। बेसिकली नरेंद्र मोदी ने ये जो G20 कराई है, इससे आपको अंदाज़ा है कि द वर्ल्ड हैज़ रिकग्नाइज देम और एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, या वहाँ पे भी अपने एट होम, अपने घर में बेसिकली इनकी एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ी है नरेंद्र मोदी की। अब आप देखिए ना, सिर्फ G20 की बात कर रहे हैं हम, साढ़ा तो मसला हो रहा है। हमारा मसला ये है कि हमारे वजीर आजम 12 14 दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं। मैंने दसो 18 तारीख से लेके आई थिंक 30 तारीख तक वो अमेरिका जा रहे हैं। ओके, दैट्स फाइन इफ ही बिलीव्स के शायद हमें थिंक टैंक से वहाँ इंगेज करना है या पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज पेश करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो नॉर्मली फ्रैंकली पाकिस्तान का इमेज जो है वो पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं पेश कर सकता। ठीक है जनाब, उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि ये हैंड पिक्ड प्राइम मिनिस्टर है। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये तो हैं केयर टेकर, ये तो प्रॉपर हैंड पिक्ड है, आए थोड़ी देर के लिए हैं। इज़ अ वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, फॉरवर्ड लुकिंग नेशनलिस्ट। ठीक है, और लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स के 12 14 दिनों में वो क्या पाकिस्तान को बताएंगे, उस पाकिस्तान के बारे में बताएंगे जिस पाकिस्तान के की भागदौड़ उनके पास थोड़ी देर के लिए। बट एनी हो, आप देखें कि ये अभी UAE के मैं मिनिस्टर साहब को देख रहा था, वो कह रहे थे ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है ये ग्लोबल शिफ्ट है। ये बेसिकली UAE के मिनिस्टर हैं, इनका नाम है अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी। वो कह रहे हैं द वर्ल्ड इज चेंजिंग,
और ये जो कॉरिडोर है, और इस ये कॉरिडोर बताता है कि दुनिया चेंज हो रही है। ठीक है जनाब, तो अब आप इमेजिन करें दैट इंडिया इज पार्ट ऑफ दोज कंट्रीज वेयर दे बेसिकली बिलीव द वर्ल्ड हैज चेंज, और वो समझते हैं इंडिया हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इस हद तक बात चली गई है कि एशिया के अंदर, पूरे एशिया के अंदर, अगर इंडिया ने एक्सपोर्ट बंद कर दी है, राइस एक्सपोर्ट बंद कर दी है, ठीक है, तो एशिया की जो राइस मार्केट है उसमें हलचल मच गई है, और उसकी वजह से पूरे, वो एक टर्म बोली जाती है कि जिसे कहते हैं ना शॉक वेव्स चली गई हैं, इन्फ्लेशन बढ़ी है, ठीक है। लेकिन इंडिया में वो चाहते थे कि ये रहे, ताकि इंडिया, वरना सारी की सारी इन्फ्लेशन इंडिया में अंदर आ जाएगी। सो ये आप देखिए, दैट इज़ अ नेशनलिस्ट डिसीजन। एक गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, उन्होंने ये फैसला किया है कि अगर हमने ये राइस की एक्सपोर्ट बंद ना की, और हमारे, आपको पता है पाकिस्तान में क्या होता है, हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि हमारा चावल और आटा सारे का सारा, और ये चीज़ें जितनी भी हैं, इवन के मुझे बताया गया है कि मुर्गी का गोश्त भी अफगानिस्तान जाता है, वहाँ तो कुछ होता नहीं है। ये सारा सब जो है, हमारे बिजनेसमैन जो पाकिस्तान के लॉयल हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, जो उमरे और हज करने जाते हैं, और जो कहते हैं कि जनाब हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सारा महंगे दामों में अफगानिस्तान भिजवा देते हैं। सो इंडिया ने अपना एक्सपोर्ट बैन कर दिया, तो पूरी एशिया के अंदर शोर मच गया। तो ये है इंडिया के राइस की, ये क्या पाकिस्तान में राइस नहीं होता? यही राइस अगर पाकिस्तान और इंडिया की मार्केट खुली होती, हम इंडिया की मार्केट राइस बेच सकते थे, हम अपना राइस जो है वो पूरा करें, और साडा की, हमारा तो वो पता ही नहीं चलता। हम गंदम पैदा करने वाला मुल्क है, दिल करे गंदम ही इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। हमारी तो, हम तो पॉलिसीज के मारे हुए हैं ना, हम तो बाबुओं के मारे हुए हैं और ज़खीरा अंदोज़ों के मारे हुए हैं। आप देखें कि ये जो क्वेश्चन था कि इंडिया की वो जो है नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग हाई हो गई है, ठीक है, इसमें कई लोगों का कहना ये है कि द नरेंद्र मोदी एंड देयर पार्टी, दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द मीडिया, जो कि सारे करते हैं। हमारे यहाँ इमरान खान साहब थे, जब 2018 में मुझे एक शख्स मिले, ही वॉज वेरी क्लोज विद इमरान खान एट दैट टाइम, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि तमाम टेलीविजन स्टेशन से एक्सक्लूसिव वक्त हमने ले लिया हुआ था, और सबको हम पेमेंट्स कर रहे थे, और पेमेंट्स कभी किसी से पकड़ के किसी को दे रहे हैं, इधर से पकड़ के उधर दे रहे हैं, ठीक है, टीवी स्टेशंस को पेमेंट्स कर रहे हैं कि भाई तुम लोग जो है वो करो, चलाओ, इमरान खान का इमेज बड़ा करो। नरेंद्र मोदी का ये G20 की जो कामयाबी है, ये दैट इज़ गोइंग टू बी द बिग सक्सेस फॉर हिम, इन केस उनका जो इनकम्बेंसी फैक्टर है मोदी साहब के ऊपर ना भारी पड़ जाए। इनकम्बेंसी फैक्टर मीन्स दैट ही इज़ बिन रनिंग द कंट्री फॉर 10 ईयर्स। लेकिन ये जो फॉरेन पॉलिसी कामयाबी है, ये दैट गिव्स देम, इसने बेसिकली कि ये एक बड़ी चीज़ है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये क्या है कि इसमें अमेरिकन इंडिया को उठाते हैं। आपको याद है कि जब ट्रम्प का 2020 का इलेक्शन था, तो नरेंद्र मोदी जाके हाउडी मोदी वो क्या नारे लगते थे, और मोदी साहब तकरीबन ट्रम्प के लिए वोट ही मांग रहे थे। ये काम पाकिस्तान के वजीर अजम इमरान खान ने भी करने की कोशिश की, लेकिन हमें तो बाइडेन साहब ने ऐसा मज़ा चखाया, लेकिन बाइडेन साहब ये काम इंडिया के साथ नहीं कर सकते। द रीज़न बिहाइंड इज के इंडिया इज सो इम्पोर्टेंट टू इज टू इम्पोर्टेंट टू बी इग्नोर्ड, लेकिन ये काम वो उसके साथ का, पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं, हमें वो दबा सकते थे। सो वो एक जिसे कहते हैं फॉरेन पॉलिसी, जो सक्सेस है नरेंद्र मोदी की, दैट इज गोइंग टू टेक हिम टू द नेक्स्ट लेवल। ये मुझे, दिस इज वॉट आई कैन बिलीव, दिस इज वॉट आई कैन फोरसी, दिस इज वॉट आई कैन टेल, मुझे लगता है इंडियन मीडिया से जब मैंने चेक किया कि ये जो सर्वे के हवाले से, तो वो सारी बातें बड़ा खुश थे इस हवाले से कि यार चलो साडा भी गुजरे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस सर्वे के ऊपर क्वेश्चन मार्क भी डालते हैं कि नहीं, ये कोई इतना क्रेडिबल सर्वे नहीं है, जैसे उन्होंने कहा 500 से 5,000 लोगों तक जो है वो हमने सर्वे किया हुआ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया इज़ ए बिगर कंज्यूमर, हर चीज़ का बड़ा कंज्यूमर है। सो इंडिया इज़ नोन ग्लोबली बिकॉज ऑफ दिस रिसेंट G20 की वजह से।
ठीक है जी। सो ये उन्होंने किया है, ये दिस इज अ मोमेंट फॉर पाकिस्तान एज वेल, कि क्या हमने अपने लोगों को इसी तरह तबाही करते रहना। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की बातें चल रही हैं, वो कहते हैं जी हम किसी वक्त भी प्राइवेटाइज कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ किसी वक्त क्या करना, अभी करें, जान छुड़ाएं, जो कुछ 4 अरब मिलते हैं यार अपने अकाउंट में डालो। लोग कौन सा पीआईए में घूमते हैं, पीआईए में तो सारे ये सियासतदान ही जाते हैं ना यार, पीआईए में सियासतदान ही होते हैं ये। इन्होंने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद घूमना फिरना होता है, और किसने जाना होता है, और किसी ने नहीं जाना होता है इसमें। सो इसको जान छुड़ाएं, ये सारे जो वाइट एलिफेंट्स हैं इनसे जान छुड़ा के मुल्क को छोड़ें यार। क्या लोग, आप लोग गिद्धों की तरह इस मुल्क को पड़े हुए हैं, तो खुदा का खौफ कर दें, कभी तो कुछ ऐसा करें जिससे हमें पता चले कि आप अपनी नाक के आगे का भी यार कोई सोच रहे हैं, जो सोचते हैं अपने लिए सोचते हैं। अच्छा मज़े की बात यह है कि 330 रुपये लीटर, 3132 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया, डॉलर को ले आए हैं 200, आने का फ़र्क नहीं पाया जी, हमने डॉलर नीचे कर लिया। भाई डॉलर नीचे करने का क्या फ़ायदा है, आपने महंगाई तो वहीं पे जानी है, डॉलर 50 रुपये का कर दो यार सानू की देना, पेट्रोल को आपने ऊपर कर दिया, बिकॉज हमने पैसे देने आए हैं, मैं आपके हमने दुनिया के पैसे देने, ये हुकूमत पैसे इकट्ठे कर रही है हमसे और क्या। ये जो लीटर आप 1 लीटर पाकिस्तानी जो पेट्रोल डलवा रहे हैं ना 330, मुझे लग रहा है इस पे ऊपर 100 रुपया तो सिर्फ टैक्स ही टैक्स है, इससे भी ज़्यादा टैक्स है, 100 रुपये से ज़्यादा इसके ऊपर टैक्स है जो हमने देना है इनको, ताकि ये जो अय्याशियाँ करते हैं, ये जो पैसे बाहर जाके लगाते हैं, ये जो इंटरनेशनली जब ट्रैवल करते हैं और जो ये उधार मांगते हैं इंटरनेशनल अदारों से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, और ये जो इनकी खांचे मारते हैं, तो वो खांचे किसने पूरे करने हैं, वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो ये करेंगे ना, इसमें से 100-100, 125-100 डालेंगे वो। लोग आज ये नहीं पूछते कि आप किस मुल्क से हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, फलाएँ हैं, फलाएँ हैं, फलाएँ आ गए, रोटी खाते हो पाए। सो दैट इज़ वॉट द मैसेज नीड्स टू बी गिवन टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, भी रोटी खाते हो पाए। ये नहीं है कि जी प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, कहते भाई ठीक है यार, खैर है, मैं मुझे कोई परवाह नहीं है, हमने मुल्क चलाना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर पाकिस्तानीज। हमारे लिए तो ये बहुत ही मुश्किल वक्त है, इस वक्त आ चुका हुआ है कि 2600 रुपये लीटर पेट्रोल इंडिया को वो दिखा रहे हैं जनाब की, वो तो इस वक्त UAE के मिनिस्टर साहब जो हैं, मैं नहीं कह रहा, ये मैंने मेरे मुंह से लफ्ज़ नहीं निकले, ये UAE के जो इकोनॉमी के मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दी जो इंडिया है वो ये उस कॉरिडोर के साथ ग्लोबल पॉलिटिक्स में शिफ्ट आ गई है, दिस इज़ अ ग्लोबल शिफ्ट, और वो कह रहे हैं UAE इसको ज्वाइन करेगा। आप UAE को कह सकते हैं कि तुम मुसलमान हो, इंडिया के नाल ज्वाइन ना करो, बताएं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने ये बड़ा मज़हब का बड़ा बेचा चूरन, मुसलमान हैं, भाई हैं हम, भाई 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 भाई, जब देखिए आपके पास स्पिरिचुअल हिस्टोरिकल लफ्ज़ इस्तेमाल हो ना जब किसी रिलेशन में, समझो रिलेशन कोई नहीं होता, स्पिरिचुअल हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल, चलो ओ भाई दसो किन्ने पैसे की कारोबार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है वहाँ से, ये ना बताओ हमें स्पिरिचुअल, हमारे बड़े अच्छे तालुकात हैं, स्पिरिचुअल केड़े तालुकात होंगे ने यार, 5 मिनट में स्पिरिचुअल तालुकात खराब हो जाते हैं, भुख पै जाए। हिस्टोरिकल तालुकात हमें क्या है यार, सऊदी अरब से, UAE से, सबसे, अमेरिका से या चाइना से, हमने चाइना की स्वीटर देन हनी से क्या करना है, जब हमने चाइना के 30 अरब डॉलर देने हैं और मेजॉरिटी जो है हमारे किकबैक्स में चले गए हैं, हमारे जो लोग हैं बिजनेसमैन और पता नहीं किसने, किसी ने पिज़्ज़ा बना लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, 30 अरब डॉलर तो देना ही देना है भाई, अरबों डॉलर देने हैं हमने, अरबों डॉलर देने हैं उनके, ठीक है। और फिर ये बातें भी सुने जी स्पिरिचुअल हिस्टोरिकल हायर देन हिमालयाज डीपर देन, ये नाल की फ़र्क पैंदा यार, ये कोई ये नहीं है, बताएं, इंडिया कैन टेल, बातें हमारे लोगों को बड़ी बुरी लगती हैं, इंडिया कैन टेल दैट वी आर इम्पोर्टिंग अबाउट $100 बिलियन की इम्पोर्ट है इंडिया चाइना से, इसके बावजूद शी जिनपिंग इंडिया ने $100 बिलियन भेज रहे हैं मोदी साहब उनको, $100 बिलियन सालाना शी जिनपिंग ने चेक लिख के भेज रहे हैं, चीज़ें भेजते हैं हमें, इसके बावजूद शी जिनपिंग वहाँ नहीं पहुँचे, और हमारे लीडर साहबान जो हैं वो
अमेरिका और बाकियों को दिखाने के लिए कि हमारे चीन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो मुंह चढ़ा दे रहे हैं। बहरहाल एनी हो, ये हम तो प्राइसेस में और इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, ठीक है जी। और दुनिया दे हैव रेटेड द इंडिया इन कम्प्लीट डिफरेंट वे, और सारे आप बंद कमरों में जाएं सारी यही बातें कह रहे होते हैं यार, हाँ गेम बदल गई, गेम बदल गई। ये नहीं बताते क्यों गेम बदली है, ये नहीं बताते कि हमारा हम वाई वी हैव लेफ्ट बिहाइंड, ये नहीं बताएंगे किने 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 की कीता है। अनफॉर्चुनेटली, थैंक यू।